नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं जनता की आवाज और वक्त हो चुका है आज सुबह की तरोताजा खबरों का। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आज सुबह की मुख्य और बड़ी खबरें जो आपका जानना बेहद आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे पहली और बड़ी खबर को। केईएम रोड कोर्टगेट बाजार खोलने की मांग। कोरोना महामारी के चलते बीकानेर जिला प्रशासन ने पिछले काफी दिनों से केईएम रोड कोर्टगेट पर कर्फ्यू लगाकर बाजार बंद करवाया है, लेकिन अब राखी का त्यौहार होने की वजह से बाजार को खुलवाने के लिए केईएम रोड एसोसिएशन से जिला कलेक्टर प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर से मिलकर ज्ञापन दिया। ज्ञापन में व्यापारियों ने बताया कि इतने दिनों से बाजार बंद होने से बहुत परेशान है। वेतन, बिजली का बिल, दुकान का किराया और अन्य खर्चे भुगतान पड़ रहे हैं और व्यापारियों को अपने स्टाफ को भी सैलरी देनी पड़ रही है, जिससे व्यापारी परेशान है। समस्या का समाधान के लिए बाजार को अतिशीघ्र ही खोला जाए। बीकानेर में भारतीय किसान संघ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को किसानों की मांग के संबंध में ज्ञापन भेजा। किसानों ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो बीमा राशि मिल रही है वह आधी अधूरी है। किसानों की सुनवाई नहीं हो रही है, उन्हें क्लेम नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों के बिल माफ नहीं किए जाएं और अनुदान राशि वापस बिलों में जोड़े जाएं। साथ कोरोना की वजह से किसान की आर्थिक स्थिति खराब हुई, उसके बिजली के बिल माफ होने चाहिए। टिड्डी नियंत्रण करने और मुआवजे की मांग भी सरकार से की गई। राजस्थान एनएसयूआई के नवनियुक्त अध्यक्ष अभिषेक चौधरी ने संगठन की बागडोर संभालने के बाद छात्र हितों के मुद्दे को लेकर सीधे दिल्ली पर धावा बोला। वे करीब 200 छात्रों के साथ दिल्ली पहुंचे और शास्त्री भवन स्थित एमएचआरडी मंत्रालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने उन्हें बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया और क्षेत्र में धारा 144 लगे होने का हवाला देकर लेकर शास्त्री भवन के मुख्य गेट तक नहीं पहुंचने दिया। एनएसयूआई के छात्रों ने मांग उठाई है कि पूरे देश में कोरोना के बाद बने हालात को लेकर छात्रों को राहत दी जानी चाहिए। इसके लिए दो मांगों को लेकर छात्र दिल्ली पहुंचे। राजस्थान के सीकर जिले में हनी ट्रैप में फंसाकर लोगों को लूटने का बड़ा गिरोह सामने आया। मामले में पुलिस ने होमगार्ड में नियुक्त एक महिला और उसके एक साथी युवक को गिरफ्तार किया, जो हनी ट्रैप में फंसाकर पहले तो लोगों की फोटो वीडियो बनाते थे, पर उनसे उधार और रुपए लेने की लिखा पढ़ी कर रुपयों के लिए ब्लैकमेलिंग करते थे। इस काले धंधे के तार राजस्थान के अलावा हरियाणा से भी जुड़े सामने आए हैं। मामले में उद्योग नगर थाना अधिकारी पवन चौबे ने बताया कि मामले में श्यामपुरा पूर्वी निवासी महेंद्र जाट ने कुछ दिन पहले पुलिस में एक शिकायत दी थी, जिसके आधार पर पुलिस ने जब मामले की जांच की आरोपी का हनी ट्रैप का काला धंधा सामने आया। मामले में फिलहाल आरोपी शानू सेफ्ट और उसके साथी मनोज को गिरफ्तार किया गया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। कांग्रेस विधायकों की बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने संबोधन में कहा कि सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है, सत्य हमारे साथ है, इसलिए हर हाल में हमारी जीत होगी। गहलोत ने कहा कि जो लुका छुपी का खेल खेल रहे हैं वे असत्य के मार्ग पर हैं, क्योंकि सत्य कभी छुपता नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश में लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान में कांग्रेस विधायक पूरी दृढ़ता से प्रदेश में लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी सरकार पूरी तरह से स्थिर है और मजबूत है। सरकार 5 सालों तक राज्य की जनता की सेवा करती रहेगी। मुख्यमंत्री ने बीजेपी और आरएलडी जैसे सहयोगी दलों को भी समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। बैठक में विधायकों ने हाथ खड़े कर मुख्यमंत्री गहलोत के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया। विधायकों ने कहा, चाहे कितनी ही परेशानी हो जाए, हम इस लड़ाई में साथ हैं। मेघालय के पश्चिमी गारो हिल्स जिले में बाढ़ से कई गांव बह गए। बाढ़ के कारण कम से कम 5 लोगों की जान चली गई और 1.5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने बाढ़ से हुई मौतों पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, मेघालय के पश्चिमी गारो हिल्स में बाढ़ के कारण हुई मौतें परेशान करने वाली है। मैंने राज्य के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा से बात की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि केंद्र की तरफ से हर संभव मदद की जाएगी। इन कठिन समय में राष्ट्र मेघालय के लोगों के साथ पूरी तरह से खड़ा है। राजस्थान में एक बार फिर से मानसून के सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार वायुमंडल के निचले स्तर में मानसूनी हवाओं और ऊपरी सतह में पश्चिमी विक्षोभ के आपस में इंटरैक्शन के कारण अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई जिलों में फिर मेघार्जन के साथ तेज बारिश की संभावना है। प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आज अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, ढोलपुर, करौली, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, बीकानेर जिले में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। देश और प्रदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए।